आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। उत्तर प्रदेश में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, उनमें पुलिस का तनिक भी खौफ नहीं है। अपराधी लगातार अपराध को अंजाम देते रहते हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ और सिर्फ मुख्य दर्शक बनकर देखती रहती है। आपको बता दें कि पूरा ताज़ा मामला जो है मिर्जापुर के चील थाना से सामने आया है, जहां पर मुजहरा कला में देर रात घर में घुसे दो बदमाशों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक जलकल विभाग में कार्यरत भगवती प्रसाद श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे कि अचानक देर रात दो नकाबपोश चाकू के साथ घर में घुसे और घर के बाहर बने कमरे में सो रहे भगवती प्रसाद और उनकी पत्नी पर सोते समय वार कर दिया। घर में चीख पुकार सुनकर वहां पर उनके बेटे और उनकी बहन उर्मिला पहुंची, बचाने का प्रयास किया, जिस पर इन दोनों ने उनसे भी नकाबपोश बदमाशों की गुत्थम गुत्था हुआ, जिसमें ये दोनों को चाकू लगा और जिससे कि ये लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को छोड़कर नकाबपोश बदमाश वहां से भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस सभी घायलों को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां पर अस्पताल में पहुंचने से पहले ही रास्ते में महिला की मौत हो चुकी थी। वहीं गंभीर रूप से घायल भगवती और उनकी बहन को डॉक्टरों ने वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है। अन्य घायल संदीप का इलाज जिला अस्पताल में ही चल रहा है। फिलहाल उनके बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तहरीर ले ली गई है और मुकदमा भी दर्ज कर जांच में हम जुटे हुए हैं। घायल संदीप का कहना है कि हमने बचाने का प्रयास किया था, हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। रात को करीब 11 बजे के आसपास ये घटना है। मैं पीछे के कमरे में सो रहा था, मम्मी पापा आगे के कमरे में सो रहे थे और चिल्लाने की आवाज़ आई, तो मैं बाहर निकल कर देखा कि पापा किसी से कोई था, बदमाश था जो लग रहे थे। मम्मी ने बचाने की कोशिश की, हमारे भी हाथों में चोट लग गया, यहाँ पर चोट लग गया। पापा ने मुझे धक्का देते हुए पीछे हटावा दे और हम लोगों ने प्रयास किया, कुल्हाड़ी से उसको वार किया, वो भागा। पापा ने मुझे धक्का देते पीछे के कमरे में, जो दरवाज़ा है वहाँ पे हमें पीछे हटा दिया। थाना चील के मुजहरा कला गांव में बीती रात लगभग 11:30 से 12 के बीच में एक वारदात हुई। घटनास्थल निरीक्षण एवं बुजुर्गों से पूछताछ करने पर पता चला, संदीप द्वारा बताया गया कि लगभग 11:30 बजे दो नकाबपोश बदमाश जो मुंह ढके हुए थे, चाकुओं से लैस थे, घर में घुसे। उनके माता पिता जो सो रहे थे, भगवती प्रसाद जलकल विभाग में एम्प्लाई हैं, 59 साल के हैं, फरवरी में उनका रिटायरमेंट है 21 में, चाकुओं से वार किया, गले में चोट पहुंचाया, 3-4 जगह और चोट पहुंचाया। शोर शराबा सुन करके संदीप और उसकी बुआ जो अविवाहित है, घर में रहती हैं, दोनों लोग पहुंचे, उन पर भी गुत्थम गुत्था हुआ, चारों लोगों को चोट आई। उसकी माँ अस्पताल ले जाते इसमें उनकी डेथ हो गई है। दो लोग भगवती प्रसाद और उनकी बहन, दोनों लोग ट्रामा सेंटर वाराणसी में हैं। संदीप की तहरीर के आधार पर 302-307 IPC का अभियोग पंजीकृत है। घटना का मोटिव था, क्या था, कैसे वारदात हुई, संपूर्ण तथ्यों की छानबीन की जा रही है। घटना का अनावरण शुरू किया जाएगा।